हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी है। आमतौर पर इसे नान, रोटी या परांठे के साथ खाया जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट में बनने वाले कढ़ाई पनीर का टेस्ट घर पर नहीं आ पाता। तो आइए, एक बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर वाली ग्रेवी बनाने के लिए हम एक स्पेशल इन्ग्रीडियंट यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और उससे हमारी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और इजी तरीके से घर पर ही बन जाएगी। कढ़ाई पनीर के लिए सबसे पहले हम कुछ खड़े मसालों को भूनेंगे। यहाँ मैंने ली है 2 लाल मिर्च सूखी हुई, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया और 8 से 10 काली मिर्च के दाने। इन्हें अब हम गैस में पैन को रख के उसे भूनेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इन्हें जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएं तो हमें इन्हें गैस से उतार करके एक प्लेट में साइड में रख लेना है और इन्हें ठंडा होने देना है। तो ये मसाले लगभग हमारे यहाँ भुन चुके हैं, अब इन्हें हम ज़्यादा काला नहीं करेंगे और पैन से हम इनको बाहर उतार लेंगे। अब वापस उसी पैन में हम 1 बड़ा चम्मच तेल का डालेंगे और उसे गरम करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी सब्जियाँ और जो पनीर है उसको हम सॉटे करने वाले हैं। पनीर को हम एक फ्लेवर देंगे बहुत अच्छा सा, ताकि वो एक मैरिनेशन भी उसमें हो जाए। तो इस तेल में हमको पनीर को मैरिनेट करना है, फ्लेवर देना है। ये देखिए, पनीर के इस तरह से मैंने मोटे टुकड़े काटे हैं। साइड्स में उसकी इवन नहीं था पनीर, तो ये कुछ छोटे टुकड़े भी हैं मेरे पास, तो आप भी इन्हें इस तरीके से काट के रख लीजिए। और इसमें अब हम कुछ मसाले डालने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच डाली है हल्दी का पाउडर, और इसमें डालूंगी मैं अभी आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये देगी मिर्च है, इसका कलर अच्छा होने के साथ साथ बहुत अच्छी खुशबू भी देता है ये। और इसमें मैंने डाली है 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। ये मेरा फेवरेट इन्ग्रीडियंट है, इसे आप चाहें तो मत डालिए, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब पनीर के पीसेस को इस तरह से हम इस तेल में डाल देंगे और हमें इसको इसमें 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करना है। साथ में डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए। इस तरह से इन्हें दोनों साइड से पलटते हुए हमें, कभी आँच को आप तेज़ कर लीजिए बीच में और कभी आप कम कर लीजिए, जिस तरीके से भी आपकी जो पैन है वो गर्म हो रहा है उस हिसाब से। हमें पनीर को जलाना नहीं है, उसकी दोनों साइड क्रिस्प हो जाएं और वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो। तो ये पनीर लगभग यहाँ पे तैयार है और अब मैं इसको बाहर एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आप अभी फ्लेवर होम चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी किसी भी रेसिपी वीडियो को मिस ना कर दें। अब उसी कढ़ाई में बिना कोई एक्स्ट्रा तेल डाले हम शिमला मिर्च और प्याज को जो है सॉटे करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 मीडियम शिमला मिर्च और 2 छोटे प्याज को इस तरह से मोटा मोटा काटा है, डाइस जिसे हम बोलते हैं उन्हें किया है। और अब उसी मसाले और उसी तेल में जो कढ़ाई में लगा हुआ है, पैन में लगा हुआ है, उसमें मैं इनको 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करूँगी। हल्का सा नमक मैं इसमें और डाल रही हूँ, ताकि इनमें सीजनिंग अच्छे से हो जाए। तो इस तरह इन्हें चलाते रहिए आप, जो भी मसाला और तेल है हमारा वेस्ट नहीं होगा, वो सब इसमें लग जाएगा और ये सॉटे भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग ये सब्ज़ी भी हमारी सॉटे होकर के तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो बीच में 1 मिनट के लिए ढक करके इन्हें पका सकते हैं कम आंच पे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। सब्जी को बाहर निकाल लेंगे हम, और अब हम उसी पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और साथ में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर। तेल गर्म हो जाएगा, बटर हमारा थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और इसमें अब हम डालेंगे मसाला। इसमें डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच जीरा, साबुत जीरा है ये। इसे हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे, क्रैकल होने देंगे, और जब ये इस तरह से ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम प्याज बारीक कटा हुआ। इसको हमें इसमें पकाना है बहुत अच्छे से, सॉटे करना है। भूनेंगे हम प्याज को यहाँ पर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम बटर और तेल के साथ में। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, 1 छोटी चम्मच अदरक और 1 छोटी चम्मच लहसुन, जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप उसे बहुत बारीक काट करके भी ले सकते हैं। इन्हें डाल करके भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और प्याज अदरक और लहसुन को हमें भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए।
इस तरह से भूनते हुए आप देखेंगे इनका कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से ब्राउन हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ मैंने लिए हैं 3 मीडियम टमाटर जिनकी मैंने प्यूरी कर ली है मिक्सी में, और उसे मैं डायरेक्ट पैन में अब डाल रही हूँ। अब हमें टमाटर को भी इसके साथ में अच्छे से पकाना है, जब तक टमाटर जो हैं अपनी साइड्स ना छोड़ दें पैन की और उसमें तेल जो है वो अलग ना हो जाए। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए आप। ये टमाटर थोड़े से यहाँ पर भुन गए हैं, इसमें अपना पैन का साइज़ भी छोड़ा है। अब हम यहाँ पे साथ में डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिए हमने जो सब्जियाँ जो सॉटे की हैं उसमें भी नमक है, तो अब नमक को ध्यान से डालिए ताकि बाद में हम उसे एडजस्ट कर सकें अगर हमें और चाहिए। यहाँ साथ में डालूंगी मैं 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इन दोनों को सबको मिक्स करके अच्छे से हम भून लेंगे। अब यहाँ प्याज टमाटर अदरक लहसुन का हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने पैन के साइड में, और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन का। जी हाँ, इसे हम डालेंगे, और ये वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमारी ग्रेवी एकदम बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की और बहुत ही अच्छी बनने वाली है। इसे हम मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे और उसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि बेसन कच्चा है इसे हमें मसाले के साथ ही भूनना है। ये देखिए मसाला हमारा इकट्ठा होने लग गया है, बेसन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है कि वो मसाले को अच्छे से भून करके क्रीमी टेक्सचर में और ग्रेवी की तरह एक अच्छे से फॉर्म करेगा। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा ये जो मसाला तैयार हो रहा है बहुत ड्राई नहीं हो जाए और सब मसाले और बेसन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से पानी डाल करके हम इसे चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब यहाँ पर जो हमने पहले खड़े मसाले लिए थे साबुत मसाले, उनको भूना था, उसका एक दरदरा सा मैंने पाउडर पीस लिया है और 1 बड़ा चम्मच उसको मैंने इस मसाले के अंदर जो प्याज टमाटर को भूना है उसमें डालेंगे। ये खाने में भी थोड़ा थोड़ा सा मुँह में आता है और बहुत टेस्टी इसका फ्लेवर आता है, आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और इसे आप इसी तरीके से मोटा मोटा पीस के यूज़ करिए। अब यहाँ पर मैं ग्रेवी को जो है तैयार कर रही हूँ, तो मैं पानी और ऐड कर रही हूँ, और इस समय आप पानी की कोई क्वांटिटी नहीं है फिक्स कि आप कितना डालेंगे, आप उसे अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितनी ग्रेवी पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए आप पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर ग्रेवी में पानी डालने के बाद उसको थोड़ी देर मैंने सिमर किया है 2 मिनट, और अब इसमें जो सॉटे की हुई सब्जियाँ हैं शिमला मिर्च और प्याज उसे डाला है, और साथ में डाला है जो हमने फ्लेवर किया हुआ पनीर साइड में रखा था। इन सब को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और फिर हमें इसको ढक कर के 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है धीमी आंच पर। तो अच्छी तरह से सब्जियों को मिक्स करने के बाद अब इसको मैंने यहाँ पर ढक दिया है, और जैसे मैंने आपको बताया लगभग 7 मिनट के बाद ये हमारी कढ़ाई पनीर की सब्जी तैयार है। इसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच घर की मलाई को हल्का सा फेंट करके, आप चाहें तो इसमें 1 बड़ा चम्मच दही का भी डाल सकते हैं या फिर बाज़ार से लाई हुई क्रीम भी डाल सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है और ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे मत डालिए, पर हल्का सा क्रीमी टेक्सचर जो है किसी भी सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और इसकी जो ग्रेवी है आप देखिए कितनी स्मूथ और सॉफ्ट बनी है, और जो हमने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट अपना बेसन का डाला है उससे जो आपकी ग्रेवी में एक स्मूदनेस आएगी आप इस टेस्ट को भूलेंगे नहीं व्यूअर्स, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और लास्ट में डालेंगे हम अपना फ्लेवरिंग एजेंट कसूरी मेथी, इसे आप डाल लीजिए, और अब कढ़ाई पनीर हमारा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ देखिए आप इसकी ग्रेवी को, एकदम स्मूथ है ये देखिए व्यूवर्स, और अगर कढ़ाई पनीर बना है तो कढ़ाई में तो सर्व होना ही चाहिए। तो लीजिए इसे हम एक कढ़ाई में सर्व करते हैं, और इसके साथ आप ज़रूर बनाइए नान। नान की रेसिपी, 3 अलग प्रकार की नान की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और कढ़ाई पनीर को भी घर पे ज़रूर बनाइए। इसे बना करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, और अगर कोई और रेसिपी आपको चाहिए तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। लाइक कीजिए इस रेसिपी को, शेयर कीजिए और फ्लेवर होम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड व्यूअर्स, थैंक यू।